बदली में छुप गए तारे, शर्मा से गई बहारे, भीगे भीगे खुशबू फैली मस्त हवा के झोंकों से, तुम दिल में उतर आए अखियों के झरोखों से, तुम दिल में उतर आए अखियों के झरो एक बात याद रखिए कि आपको सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा, और हम तब तक आपके जवाब का इंतजार करेंगे जब तक कि हमें अपना जवाब मिल नहीं जाए। कब तक? जब तक जिंदगी है। इसका मतलब कि आप जिंदगी भर हमारा इंतजार करिएगा? हम देखते हैं कि वो लड़की कितना उड़ान भरती है। ऐसा हम कह रहे थे कि वो शर्मा जी के यहाँ फंक्शन होने वाला है। बेटा पुनीत। जी सर। आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए। वो हाजीपुर वाले शर्मा जी हैं ना, उनके यहाँ कल प्रोग्राम है और आपको वहाँ जाके गाना गाना है। भैया जी आइए, बहुत हुआ सम्मान। एक मीठी चुभन जगाती है। एक बात याद रखिए, आपको सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा, और तब तक हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे जब तक कि हमें अपना जवाब मिल नहीं जाता। कब तक करेंगे? जब तक जिंदगी है। इसका मतलब कि आप जिंदगी भर हमारा इंतजार करिएगा? और अगर यकीन नहीं आता तो आजमा के देख ले, जो कहा है उससे पीछे नहीं हटेंगे। दीदी, दीदी यहाँ क्या कर रही हो? 12 बज गए, सोना नहीं है क्या आज? तुम दोनों कहे जाग रहे हो इतना रात तक? चलो जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गया बेटा, चलो जाओ सो जाओ। आप भी सो ना दीदी हमारे साथ। हम भी सोएंगे, पर बस तुम लोग अभी सो जाओ ना, हम बस आते हैं अभी। दीदी हमको सब पता है, आप काहे नहीं सो रही हमारे साथ? क्या पता है, चलो बहुते पता लग रहा है तुमको आजकल, चलो सोने चलो 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 चलो।
सरस्वती पुत्री के हाथों दिए प्रसाद को ठुकराना पाप होगा। पूरा प्रसाद लेकर जा रहा हूं। अपने आप को अकेला मत समझो, हम मिलकर मुकाबला करेंगे। याद है आपने कहा था कि आप आज के दिन हमारे उस दिन के सवाल का जवाब दें। हाँ हाँ, हमको याद आया। याद आया ना, तो फिर दीजिए हमारे सवाल का जवाब। बाकी कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं ना? मेरा मतलब आप तो चले गए थे ना? हाँ। फिर यहाँ कैसे आ गए? मजबूरी में चला तो गया था, पर मन ही नहीं लगा, वापस आ गया। पर वो का है? आपको आपके जन्मदिन की बधाई देने और अपना उपहार लेने। आपको आपको हमारा जन्मदिन याद था? भूल कैसे सकते थे ना? आज के इस विशेष दिन जन्मदिन की आपको ढेर सारी बधाई। भगवान करे आप जिए हजारों साल और हर साल के दिन हो 1,000। 1,000? इतना लंबी उम्र की कामना काहे कर रहे हैं? इसमें हमारा ही स्वार्थ है, क्योंकि आप जिंदा रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। एक मिनट, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करो? कीजिए ना। लेकिन का है? अरे कीजिए ना। अच्छा, अब आप अपनी आंखें खोलिए। ये लीजिए हमारी तरफ से एक मामूली सी भेंट। अच्छा उपहार तो हमको जीवन में कुछ मिल ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पुनीत बाबू। अब इनको आप हमेशा अपने साथ रखिएगा, क्योंकि ये आपके साथ रहेंगे तो आपको जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी। हम जीवन भर इनको अपने साथ रखेंगे। सच में आज माँ सरस्वती को आपके पास आकर ना बहुत अच्छा लग रहा, क्योंकि सही मायने में इनका वास आपके ही पास है। एक सौम्य शीतल और सुरीली लड़की के पास। नहीं पुनीत बाबू, ऐसा
कुछ नहीं है हमारे पास। आप झूठों हमारी इतनी तारीफ कर रहे हैं। अब हीरा को क्या पता होता है कि वो क्या है, उसका मूल क्या है, वो कितना अनमोल है? पता नहीं पुनीत बाबू। लेकिन हमें पता है कि हमें क्या चाहिए। क्या चाहिए का क्या मतलब? हम कुछ नहीं समझे। याद है आपने कहा था कि आप आज के दिन हमारे उस दिन के सवाल का जवाब दें। हाँ हाँ, हमको याद आया। याद आया ना, तो फिर दीजिए हमारे सवाल का जवाब। बाकी पुनीत बाबू, हम दे रहे हैं आपको जवाब। हमारी तरफ से जवाब क्या? सच? नैना, एक बार हमारी आंखों में आंखें डालकर बोल दीजिए जो आपने अभी कहा। पुनीत बाबू, इससे ज्यादा हिम्मत हमरा में नहीं है। हम कह दिए ना जो कहना था। नहीं नहीं, प्लीज नैना, एक बार हमारी आंखों में आंखें डालकर बोल दीजिए ना, प्लीज। किन किन शब्दों में हम आपका आपका शुक्रिया अदा करें नैना? आपने 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 दुनिया की सारी खुशियां हमारे जीवन में भर दी नैना। सच, आज आज हमें जीने का मकसद मिल गया नैना। आइसन आइसन कहाँ मिल गया आपको? आपकी आपकी हाँ, बात जानती हो, आज मुझे एक बात पर पक्का यकीन हो गया। कौन सा बात पर? कि अगर आपके मन में किसी चीज को पाने का दृढ़ विश्वास होना तो वो चीज आपको जरूर मिलती है। विश्वास ही प्राप्ति का हथियार है। हम तो बात बताते भूल गए कि राजबाबू हमारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, जाने से पहले आपको फिर से जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत बाबू। आप अपना ख्याल रखिए। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और सुनिए, जल्दी आइएगा। अच्छा, क्या कर रही हो जी तुम? सबका गोड़ोड़ काहे छू रही हो? जी, वो कहा है कि आज हमारा जन्मदिन है। जवाब तो हम देंगे, बाकी 3 तारीख को देंगे। वो दिन
हमारा जन्मदिन है। अच्छा। बाबूजी कहते हैं कि आज के दिन बड़ा बुजुर्ग का आशीर्वाद लेने से बहुत शुभ होता है, यही से हम आशीर्वाद ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, खुश रहो। हो गया? अरे भौजी, हम क्या बताएं, एकदम से बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए, कुछ नहीं बचा। अरे बाबूनी जी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? हाँ बबनी, बताइए ना, आप बताएंगी तभी तो हम लोगों को समझ में आएगा ना। भौजी, हमारे बक्सों से सारा गहना चोरी हो गया। अरे कुछ सूत तक नहीं बचा। हाँ भैया, एको सूतो भी नहीं बचा। अब हम के नहीं जाए, किकरा से बोले, कैसे ढूंढने। बिल्कुल बर्बाद हो गए हम तो। चोरी? हमरे घर में चोरी? अरे कौन कर सकता है? क्यों, दूसर तीसर भी तो नहीं आया घर में दीदी? बबुनी जी, आप गहने कहाँ रखी थी? हाँ बुआ जी, ये याद करके बताइए ना, कहाँ रखी थी गहना? अरे माया, सब गहना बक्सा से निकाल के हम अलमारी में रखे थे कि सोनार को दे देंगे सफाई के लिए, लेकिन हुआ तो देखते हैं, सब गहने पे कोनो हाथे साफ कर दिया है, तब का दे? हाँ, अब केकरा बोले? हम तो एकदम में लूट गए, बर्बाद हो गए। अरे बुआ रोइए मत, सुनिए। अरे बुआ हमसे बात कीजिए, अच्छे से याद है ना कि आपने गहने अलमारी में ही रखे थे? अरे बेटा प्रबल, औरत जो है ना कभी भुलक्कड़ नहीं होती है, हा? वो अपने पति को भूल सकती है, अपने पेटवा को बिसरा सकती है, लेकिन गहना नहीं। लेकिन फूफा जी, ताज्जुब की बात है, घर में कोई बाहरी आदमी नहीं है, ना कोई आया ना कोई गया, बुआ का गहना कहाँ चला गया फूफा जी? बड़ी ताज्जुब की बात है, जब घर में कोई बाहरी आदमी आया ही नहीं तो गहने कहाँ चले गए? आसमान निकल गया कि धरती खा गई? अरे पता चल जाएगा चाचा जी।